A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 16th of March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is White Sheen. White का मतलब हो गया सफेद, sheen का मतलब हो गया वैसे चमक, जिसको आप बोल सकते हो shine. On India's staggering dominance in Test cricket. देखो staggering का मतलब हो गया astounding, मतलब चौंका देने वाला. Dominance का मतलब हो गया दबदबा in Test cricket. और फिलहाल एक लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर. और इंडिया का staggering dominance यानी astounding, चौंका देने वाला डोमिनेंस, दबदबा फिलहाल दिखाई पड़ता है. तो व्हाइट जो शीन यहाँ पे यूज की गई है, सफेद चमक जो बताई गई है, वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बोला गया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो होता है वो व्हाइट बॉल से खेली जाती है. तो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी फिलहाल डोमिनेंस दिखाई पड़ता है. इंडिया ने अभी फिलहाल देखा जाए तो श्रीलंका के साथ उसका एक टेस्ट सीरीज था, जिसके अंदर इंडिया ने बहुत बुरे तरीके से श्रीलंका को हराया है. तो इंडिया का जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो दबदबा है, डोमिनेंस है, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है. इंडिया कैन ब्रीद इजी. ब्रीद इजी का मतलब हो गया थोड़ा चैन की सांस लेना. ऑन मूविंग टू द फोर्थ प्लेस इन द आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल. और फिलहाल लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद, यानी अच्छा परफॉर्म करने के एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो कि इंडिया जो फिलहाल देखा जाए जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की जो टेबल है फिलहाल उसके अंदर चौथे स्थान पर आ गया है. इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया और उसके बदौलत वो जो आईसीसी टेस्ट जो रैंकिंग है उसके अंदर इंडिया चौथे स्थान पर आ गया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर. इंडिया स्टेगरिंग, स्टेगरिंग का मतलब हो गया चौंका देने वाला डोमिनेंस, दबदबा. इंडिया का चौंका देने वाला जो डोमिनेंस है इन क्रिकेटिंग जॉस्ट. जॉस्ट का मतलब होता है वैसे कॉम्बैट, फाइट करना. यानी जो फिलहाल जो इंडिया का जो डोमिनेंस है क्रिकेट के अंदर, खास तौर पर अगर देखा जाए टेस्ट क्रिकेट के अंदर एट होम, ज्यादातर इंडियन जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो एट होम अपने ही घरेलू सीरीज उसने खेला है. वॉज फर्दर रीइटरेटेड का मतलब है रिपीट करना. तो इंडिया ने क्या किया, अपने डोमिनेंस को रिपीट किया है एट द कंक्लूजन. कंक्लूजन का मतलब किसी चीज का निष्कर्ष निकल जाना या कंप्लीट हो जाना. इट मींस एट द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका. और फिलहाल श्रीलंका के साथ जो इंडिया की टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट हुई है उसके साथ इंडिया ने दोबारा से अपना डोमिनेंस दिखाया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, कि इंडिया अपने घर पर कितना अच्छा क्रिकेट खेलती है और इंडिया हमेशा दबदबा बनाए रखती है. तो इंडिया ने अपनी घरेलू सीरीज की अगर बात की जाए, टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, तो उसने अपना डोमिनेंस बनाए रखा है, दबदबा बनाए रखा है. इफ द अर्लियर T20 वाज स्वेप्ट 3-0. और इंडिया ने क्या किया था, अगर इंडिया ने जो तीन T20 हुए थे उसके अंदर क्लीन स्वीप दिया था किसको, श्रीलंका को, द लॉन्गर फॉर्मेट प्रूव्ड नो डिफरेंट एट द होस्ट वन 2-0. और लॉन्गर फॉर्मेट के बोला गया टेस्ट क्रिकेट के लिए. तो इंडिया ने पहले T20 जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट था तो उसमें 3-0 से इंडिया ने श्रीलंका को क्लीन स्वीप दिया. और उसके बाद लॉन्गर फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो होस्ट इंडिया के लिए यूज किया गया. तो इंडिया ने टेस्ट के अंदर भी 2-0 से श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया विद द ट्रायम्स इन बोथ टेस्ट. ट्रायम्प का मतलब हो गया एक तरीके से विक्ट्री, जीत. इन द बोथ टेस्ट बीइंग रजिस्टर्ड, दोनों के दोनों टेस्ट के अंदर बीइंग रजिस्टर्ड यानी जीत उसने हासिल की, रजिस्टर्ड की इन 3 days ईच. और तीनों ही दिनों के अंदर मैच को खत्म कर दिया. तो इतना डोमिनेंस दिखाई पड़ता है इंडिया का. 5 days का एक मैच होता है टेस्ट मैच और इंडिया ने 3 दिनों में उसको कंक्लूड कर दिया. ये साफ साफ दिखाता है इंडिया के डोमिनेंस को. दिस एम्पैथेटिक,
एम्पैथेटिक का मतलब हो गया वैसे जोरदार, स्ट्रॉन्ग जिसको आप बोल सकते हो, विक्ट्रीज। और इंडिया की ये जो जोरदार ये जीत है, एम्फसाइज, एम्फसाइज का मतलब हो गया किसी बात पर जोर डालना। द वास्ट गल्फ, वास्ट का मतलब हो गया बहुत चौड़ा या खुला, गल्फ का मतलब खाड़ी हो गया। इनक्वालिटी बिटवीन द राइवल स्प्लिट बाय दी बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। देखो, और श्रीलंका और इंडिया को अलग कर क्या करता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है और इंडियन जो ओशियन है, वो इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। और उन दोनों कंट्रीज के बीच में वास्ट गल्फ इन क्वालिटी, वास्ट गल्फ इन क्वालिटी का मतलब जो उनके प्लेयर्स की जो क्वालिटी है उनके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है, यानी एक खाड़ी जितना फर्क है। इट मीन्स उन दोनों के टैलेंट की अगर बात की जाए तो इंडियन टैलेंट इज सुपीरियर टू श्रीलंकन टैलेंट, यानी कि इंडिया का जो टैलेंट है, जो क्रिकेट टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं श्रीलंका से काफी ज्यादा अच्छा है। इंडिया लास्ट फेल्ड इन अ होम टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग 2012। और इंडिया का जो इंडिया ने अगर देखा जाए लास्ट जो टेस्ट सीरीज अपने घर पर हारी थी वो 2012 के अंदर हारी थी, और उसके बाद लगातार इंडिया ने अपनी सारी टेस्ट सीरीज को जीता है। व्हेन एलेक्स कुक, जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हुआ करते थे, प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब हो गया वैसे डोमिनेट करना या जीतना, H2-1 सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब हो गया उसके बाद। तो ये क्या था, देखो एलेस्टर कुक ने क्या किया था, 2-1 से 2012 के अंदर इंडिया को, इंडिया के अंदर ही उन्होंने हराया था। और तब से लेकर इंडिया अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज को अपने अपने घर पर नहीं हारा है। सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब आफ्टर दैट, इसके बाद फॉर नियरली अ डेकेड, 10 साल के आसपास का टाइम हो गया है, इंडिया प्रूव टू बी अ टफ अपोनेंट। और उसके बाद 10 साल के आसपास का टाइम हो गया, इंडिया अभी एक बहुत ही टफ, एक कंपिटिटर है, एक क्रिकेटिंग स्क्वेड है, बहुत ही जबरदस्त एक टीम है इन इट्स बैकयार्ड। वैसे बैकयार्ड का मतलब होता है जिसको आप पृष्ठभूमि बोल सकते हो, यानी वो अपने घर पर कह सकते हो, यानी इंडिया अपने घर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ओपोनेंट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है जिसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैक्सिमाइजिंग होम एडवांटेज, और इंडिया हमेशा से अपने जो घरेलू जो एडवांटेज उसको मिलना चाहिए, इंडिया उसका हमेशा फायदा उठाती है। एंड थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग का मतलब फलना फूलना। ऑन एन एरे ऑफ डाइवर्स स्टार्स, एन एरे ऑफ, वैसे एन एरे ऑफ डाइवर्स, एरे का लाइन कर सकते हो, अ लाइन ऑफ डाइवर्स मल्टी टैलेंटेड स्टार्स। और इंडिया के फिलहाल अगर पास देखा जाए तो एक लाइन है एक बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स की, हु कुड बैट, जो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, स्पिन बॉल करा सकते हैं एंड बॉल को रिवर्स करा सकते, स्विंग करा सकते ड्राई पिचेस के ऊपर अंडर हार्श सन, यानी तेज धूप के, तेज अगर धूप है तो वहां पर बहुत अच्छे हमारे बैट्समैन हैं, ऐसे प्लेयर्स हमारे पास है जो स्पिन करा सकते हैं, बैट कर सकते हैं, रिवर्स स्विंग करा सकते हैं ड्राई पिचेस के ऊपर, और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। दैट टेम्पलेट वॉज, टेम्पलेट का मतलब हो गया वैसे मॉडल। वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियर दिखना, साफ साफ दिखना, थ्रू द लास्ट फोर्टनाइट। और ये जो टेम्पलेट फिलहाल देखा जाए, जो एक मॉडल सेट किया इंडिया ने डोमिनेंस का, ये पिछले 15 दिनों के अंदर साफ साफ देखा जा सकता था कि किस तरीके से इंडिया ने अपना स्ट्रगलिंग डोमिनेंस दिखाया टेस्ट क्रिकेट के अंदर। पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो इंडिया ने कोई भी टेस्ट सीरीज अपने देश के अंदर नहीं हारी है, और इंडिया के पास फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स है। राइट, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, कैन ब्रीद, कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने ब्रीद यूज कर लिया जो कि V1 है। डोमिनेंस की अगर बात की जाए तो ये आपका नाउन हो गया, स्ट्रगलिंग आपका V1+ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और इंडिया और उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज लगा दिया जो कि पोजिशन को दिखाता है। राइट, इसके बाद देखे जाए वोस फर्दर रीइटरेटेड, देखो वॉज के बाद यानी B+ थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। बीइंग रजिस्टर्ड, बीइंग आपका जीरंड है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड V3 आपने यूज कर लिया जो कि आपका जीरंड, आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया।
proved आपका V2 हो गया जो कि past indefinite है. Now let us move on to our second slide. The positive results, और जो फिलहाल results अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए काफी सकारात्मक है. May hint, ये इशारा करते हैं at a smooth leadership transition. और जो इंडिया के फिलहाल जो results मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस और इशारा करते हैं कि इंडिया का जो फिलहाल लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो काफी स्मूथ है. ट्रांजिशन का अगर चेंज करना फ्रॉम विराट कोहली टू रोहित शर्मा, यानी जब विराट कोहली काफी मतलब स्ट्रगल कर रहे थे रिजल्ट्स देने के अंदर, एवर सिंस रोहित शर्मा सिक्योर्ड द पोजीशन एज अ कैप्टन, तो इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है. तो इंडिया की लीडरशिप फिलहाल काफी स्मूथ दिखाई पड़ती है. बट प्रायर टू दिस सीरीज, लेकिन इस सीरीज से पहले की अगर बात की जाए, द इनकम्बेंट हैड हिज शेयर ऑफ हेडेक्स. इनकम्बेंट का मतलब वैसे होता है पदाधिकारी जिसको आप बोल सकते हो, लेकिन यहां पर इसका यूज हो गया स्कीपर यानी कैप्टन के लिए. तो यहां पर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा के लिए इस सीरीज को स्टार्ट होने से पहले काफी क्या था, हेडेक थे, सर दर्द बने हुए थे, बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा. क्यों? द मिडल ऑर्डर वॉज रिकास्ट. रिकास्ट का मतलब रीमेक करना, यानी कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को अपना मिडल ऑर्डर को रीमेक करना पड़ा, उसको दोबारा से बनाना पड़ा विद चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे मेकिंग वे फॉर हनुमा बिहारी एंड श्रेयस अय्यर. क्योंकि जो चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे थे उनको जगह छोड़नी पड़ी, रास्ता बनाना पड़ा किसके लिए, हनुमा बिहारी और श्रेयस अय्यर के लिए. और इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जगह पे हनुमा बिहारी और श्रेयस अय्यर खेले. वाइल एन इंजर्ड ओपनर केएल राहुल वाज रूल्ड आउट का बाहर निकाल देना. और जो केएल राहुल जो कि इंजर्ड थे और उनको भी इस टेस्ट सीरीज से बाहर निकालना पड़ा. और इस वजह से रोहित शर्मा के सामने मिडिल ऑर्डर को लेकर काफी प्रॉब्लम्स थी. The batting needed reassurance. Reassurance का मतलब एक तरीके से विश्वास दिलाना, और जो बैटिंग थी उसको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाने की जरूरत थी. While the losses in South Africa continued to haunt. To haunt का मतलब हो गया वैसे आप डराना होता, haunt का मतलब. लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए इस टेस्ट सीरीज से पहले इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पे गई थी, तो वहां पर इंडिया टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हार गई थी. जो 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 हार का वो डर था वो अभी भी फिलहाल क्या कर रहा था, इंडिया को डरा रहा था. Those worries were gradually erased. और जो साउथ अफ्रीका के साथ जो चिंताएं थी, साउथ अफ्रीका के टूर पर हारने के बाद इंडिया के लिए जो वरीज थी, जो चिंताएं थी, वो धीरे धीरे क्या होगी, इरेज होगी, कम हो गई. एट डिस्पाइट हालांकि के बावजूद रोहित एंड कोहली ल्यूक वॉर्म यील्ड. देखो ल्यूक वॉर्म वैसे होता है काफी गुनगुना टाइप का जो पानी होता है. यील्ड का मतलब हो गया वैसे प्रोड्यूस, यहां पर हो गया इनसिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस. हालांकि रोहित और कोहली की अगर बात की जाए तो उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दिया था, दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म दिखाई पड़ रहे थे. विहारी एंड श्रेयस रिवील देयर मैटर. मेटल का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से करेज दिखाना या टैलेंट दिखाना, और कहीं ना कहीं विहारी और श्रेयस अय्यर ने अपना टैलेंट दिखाया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपने टैलेंट को रिवील किया, उजागर किया. श्रेयस वॉज ब्रिलियंट एट बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम लिविंग हिज इम्प्रिंट ऑन एन अब्रेसिव सर्फिस. अब्रेसिव मतलब हो गया स्क्रैची, रगड़दार, यानी काफी स्क्रैची या जिसके अंदर घर्षण बहुत ज्यादा होता है. तो उसके उस पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर श्रेयस अय्यर ने क्या किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया. जो कि बेंगलुरु के अंदर अगर देखा जाए चिन्नास्वामी स्टेडियम है, तो वहां का जो सरफेस था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की वहां पर. द पिच मे नॉट हैव बीन माइनफील्ड का मतलब हैजार्ड, काफी कह सकते हो रिस्की कह सकते हो. लाइक द वन ऑन विच सुनील गावस्कर स्कोर अ मास्टरली 96 इन लास्ट टेस्ट
इनिंग्स ड्यूरिंग द गेम पाकिस्तान इन 1987 और 1987 के अंदर सुनील गावस्कर जो एक लेजेंड क्रिकेटर हैं उन्होंने अपने मास्टरली यानी अपने स्किल्स को दिखाते हुए 96 स्कोर किए थे लास्ट टेस्ट मैच के अंदर। हालांकि उस टाइम की अगर देखी जाए तो विकेट काफी वो क्या थी, एक माइनफील्ड थी, यानी बहुत ज्यादा हैजर्ड थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हालांकि फिलहाल अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर ने जो बैटिंग की है वो इतनी ज्यादा रिस्की नहीं थी, इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन येट इट वॉज, लेकिन इसके बावजूद भी इट वॉज अ स्ट्रिप, स्ट्रिप का अंदर सरफेस हो गया दैट नेवर अलाउड बैटर्स टू सेटल। लेकिन फिर भी ये इतना इजी भी नहीं था किसी भी बैट्समैन के लिए कि वहां पर जाके वो उसको अलाउ करे कि वो आसानी से बैटिंग कर सके। तो इट मींस जो चिन्नास्वामी का जो सरफेस है देखा जाए तो इतना इजी नहीं है बैट्समैन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की बैटिंग क्लास को दिखाता है। इन 92 एंड 67 फ्रॉम श्रेयस वाज स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप ड्रॉर, टॉप ड्रॉर मतलब जो ऊपर वाली दराज है, वाइल यानी कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर श्रेयस अय्यर ने 92 और 67 बनाए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद रविंद्र जडेजा स्टार्टर, और रविंद्र जडेजा तो एक तरीके से एक स्टार बन गए, किस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि मोहाली में हुआ था रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले करना इनिंग्स अनबीटन जिसके अंदर वो आउट ही नहीं हुए थे 175, यानी जहां पर जो मेन ऑर्डर्स अगर जो मेन बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो लड़खड़ाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वहां पर रविंद्र जडेजा ने 175 अनबीटन स्कोर किया था जो कि अपने आप में रिमार्केबल है। एंड मैच हॉल, हॉल का मतलब यहां पर हो गया ड्रैग करना, खींच कर लेके आना 9 विकेट्स, और उसी मैच के अंदर उन्होंने 9 विकेट्स भी ली थी जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। किक स्टार्टेड का अंदर किसी चीज का स्टार्ट करना इंडियन कैंपेन, और इंडिया का जो अभियान था जिसके अंदर उसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना था और श्रीलंका को हराना था, तो इस तरीके से इंडिया ने अपने कैंपेनिंग की स्टार्ट की जो कि इंडिया के डोमिनेंस को दिखाता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो मे हिंट आपका, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और उसके बाद आपने हिंट यूज कर लिया। वॉज रिकास्ट, वैसे कास्ट का कास्ट 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 का सेकेंड और थर्ड फॉर्म कास्ट ही होता है। वॉज रिकास्ट आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एंड इंजर्ड ओपनर, ओपनर आपका नाउन हो गया, तो इंजर्ड आपका वी थ्री हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसका साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। टू हॉट, टू प्लस वी वन आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, मे नॉट हैव बीन ऐसा नहीं हुआ होगा, तो जब आप पास्ट के अंदर कोई इमेजिनेशन करते हो पॉसिबिलिटी के साथ तो मे हैव बीन हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो आपने नॉट भी यहां पर लगा दिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड, द कैमोज, कैमियोज का मतलब हो गया वैसे छोटे छोटे पार्ट। ऋषभ पंत एंड विकेट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह एंड आर अश्विन टुगेदर, और मतलब कहीं ना कहीं ऋषभ पंत हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गया और आर अश्विन हो गया, इन्होंने भी क्या किए कैमियोज का छोटे छोटे पार्ट अदा किए टुगेदर साथ मिलकर। एंड डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड का मतलब हो गया सबड्यू दबाना, श्रीलंका इवन इफ इट्स कीपर दिमुथ करुणा रत्ने स्ट्रक अ टन एट बेंगलुरु, हालांकि उनके जो कैप्टन है श्रीलंका के दिमुथ करुणा रत्ने उन्होंने अपना 100 भी वहां पे स्कोर किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऋषभ पंत जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने मिलकर क्या किया छोटे छोटे रोल अदा किए और वहां पर श्रीलंका को सबड्यू किया, श्रीलंका को डिफ्लेटेड कर दिया यानी दबा दिया, हरा दिया। इंपॉर्टेंटली मुख्य तौर पर इंडिया गेन वैल्यूएबल पॉइंट्स और इंडिया को बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले एंड मूव टू द फोर्थ प्लेस इन ICC टेस्ट चैंपियनशिप टेबल फॉर 21-23 साइकिल, यानी 2021 से लेकर 2023 तक का जो साइकिल है जिसके अंदर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल है जिसके अंदर देखा जाएगा कि किस टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन किए हैं और उस टीम को डिक्लेयर किया जाएगा टेस्ट क्रिकेट की नंबर वन टीम, राइट। और फिलहाल इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया ने श्रीलंका के अगेंस्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट्स को गैदर किया, इकट्ठा किया है, हैविंग लॉस्ट इन, और हालांकि इंडिया देखा जाए हैविंग लॉस्ट इन दी
फाइनल टू द न्यूजीलैंड, और इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फाइनल के अंदर हार गया था। टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल था वहां पर इंडिया हार गया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस एडिशन, जो पिछला एडिशन जो हुआ था इंडिया उसके अंदर हार गया था। रोहित इज फुली अवेयर, रोहित इस बात को लेकर पूरे अवेयर है दैट द चैलेंजेस की किस तरह के चैलेंजेस मतलब सामने आने वाले हैं, चुनौतियां आने वाली हैं। इवन इफ इंडिया कैन ब्रीथ इजी दिस ईयर, फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया फिलहाल तो क्या कर सकती है, चैन की सांस ले सकती है, लेकिन रोहित शर्मा इस बात को जानते हैं कि आने वाले जो एडिशन है उसके अंदर किस तरह के चैलेंजेस का सामना उनको करना पड़ेगा, स्पेशली मुख्य तौर पर विद मेजर चंक्स ऑफ इट टेस्ट बीइंग एट होम। मेजर चंक का मतलब हो गया मेजर पार्ट, हालांकि उसके जीत के जो मुख्य हिस्से हैं वो टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए वो होम सीरीज पे हैं, यानी इंडिया ने होम सीरीज जितनी भी हुई है वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंडिया बाहर जब जाती है, बाहर कोई भी यू नो फॉरेन के अंदर जाती है, कहीं पर भी अब्रॉड जाकर टेस्ट क्रिकेट खेलते तो वहां पर इंडिया कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। इट्स टूर ऑफ बांग्लादेश, और इंडिया का जो फिलहाल अगला जो टूर है वो बांग्लादेश के अंदर है, तो इंडिया को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, खास तौर पर रोहित शर्मा को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बांग्लादेश को हल्के में ना ले और बांग्लादेश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ सकता है। देर इज ऑल्सो लॉन टेस्ट टू टैकल इन इंग्लैंड, लॉन मतलब ओनली वन, और इंडिया का एकमात्र टेस्ट जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट वो टैकल करेगा, टैकल का मतलब वैसे फेस करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, तो इंडिया क्या करेगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा एक टेस्ट मैच, रेमनेंट ऑफ लास्ट ईयर टूर, रेमनेंट का बचा हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड की वजह से मैचेस नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से एक मैच जो पीछे पड़ा हुआ था, तो इंडिया वो एकमात्र मैच भी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा। वाइल द प्लेयर्स विल सून ब्लेंड इनटू, ब्लेंड का मतलब मिक्स हो जाना, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो अब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे इनटू द एमिनेंट इंडियन प्रीमियर लीग, आने वाली जो एमिनेंट का मतलब एक तरीके से इमिनेंट, सॉरी इमिनेंट का मतलब अप्रोचिंग, आने वाली जो प्रीमियर लीग है आईपीएल है उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स क्या करेंगे, अपनी अपनी फ्रेंचाइजेस के लिए खेलेंगे और ये सारे प्लेयर मिक्स हो जाएंगे। द टेस्ट वाइट्स सीन, यानी उनका जो टेस्ट वाइट मतलब टेस्ट क्रिकेट जो है सीन दिखाई पड़ेगा टू हैव गेन अ फ्रेश सीन, और उनका जो टेस्ट फिलहाल अगर देखा जाए इंडिया का गेन रिसीव्ड अ फ्रेश नया शीन का मतलब चमक, फिलहाल इंडिया की अगर देखी जाए तो इन सभी प्लेयर्स की वजह से बदौलत इंडिया ने बहुत अच्छा डोमिनेंस किया है क्रिकेट के अंदर, खासतौर पर घरेलू सीरीज के अंदर, और इंडिया को अभी एक फिलहाल एक नई चमक मिली है, एक सफेद कलर की, एक रंग की एक नई चमक मिली है, यानी सफेद कलर का मतलब साफ साफ यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के लिए यूज किया गया कि इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपना डोमिनेंस दिखाया है और अनबीटन रही है इंडिया पिछले 10 सालों से अपने घर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया जब बाहर की ओवरसीज सीरीज को खेलने जाएगी तो वहां पर इंडिया को चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। डिफ्लेटेड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, डिफ्लेटेड का मतलब यहाँ पे सबड्यूड हो गया, दबाना। अवेयर अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन को लेकर चलता है। टू टैकल, टू प्लस V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव है। टू हैव गेन्ड, टू हैव देखो वैसे अगर देखा जाए इन्फिनिटिव हो गया, और उसके बाद अगर हैव प्लस V3 के हिसाब से चले तो यहाँ पे इन्फिनिटिव ये आपका परफेक्ट हो गया, राइट। सो माई डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टुमारो आई विल कंटिन्यू विद अनदर आर्टिकल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।